नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली अध्यादेश को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के रुख से नाराज चल रही आम आदमी पार्टी को आखिरकार कांग्रेस का समर्थन मिल ही गया। जानकारी के मुताबिक केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देने जा रही है। इसे लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बताया है। दरअसल पिछले दिन कांग्रेस ने कहा था कि वह चुनी हुई सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर मोदी सरकार के आक्रमण का हमेशा विरोध करती रही है और आगे भी करेगी। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह बयान दिया और अब कांग्रेस की इस घोषणा को इस मायने में अहम माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी कई दिनों से दिल्ली से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस से उसका रुख स्पष्ट करने की मांग कर रही है। बता दें कि सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर शनिवार शाम को हुई इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में एकजुट होंगे, तो वहीं 18 जुलाई को बीजेपी एनडीए के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। दरअसल 18 जुलाई को दिल्ली के अशोक होटल में शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होगी। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक इस बैठक का मकसद ये बताना है कि जहां मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं पीएम मोदी के समर्थन में भी कई दल बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई की बैठक के लिए कई नए दलों को भी आमंत्रित किया है। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी शामिल हैं। बिहार से ही उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को भी एनडीए में शामिल किया जा रहा है। इनके अलावा यूपी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक दारा सिंह चौहान भी विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर बीजेपी में लौट आए हैं। आपको बता दें कि एनडीए के मौजूदा दलों में बीजेपी के अलावा अखिल भारतीय अन्ना डीएमके, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, इंडिया मक्कल कालवी मुनित्र कड़गम, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, आईटीएफटी त्रिपुरा, बोडो पीपल्स पार्टी, पतली मक्कल कच्ची, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल, असमगढ़ परिषद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, निषाद पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल असम, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस पुडुचेरी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और जनसेना शामिल है। अजीत पवार गुट ने शरद पवार गुट से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, अदिति तटकरे, दिलीप वालसे पाटिल और अन्य बागी नेता भी आज रविवार 16 जुलाई को वाईबी चौहान केंद्र में शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। इस मीटिंग के बाद एनसीपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हम सरकार में नहीं हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ चले गए हैं और उन्होंने सरकार का समर्थन किया है, लेकिन हमने सरकार का समर्थन नहीं किया है। हमारी पार्टी में विभाजन हो गया है। शरद पवार के नेतृत्व में हम काम करने वाले सभी लोग विधानसभा में शिवसेना और कांग्रेस के साथ बैठेंगे। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने आगे कहा कि अगर ये सभी मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं हमारी पार्टी में वापस आते हैं तो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष के रूप में मुझे इससे बहुत खुशी होगी। आपको बता दें कि अपने चाचा के खिलाफ बगावत करने और 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट और शरद पवार के बीच ये पहली बैठक थी। शरद पवार के साथ बैठक के बाद अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज हम सब हमारे नेता शरद पवार से मिलने आए थे। हमने मिलने के लिए कोई समय नहीं मांगा था, हम शरद पवार से आशीर्वाद लेने आए थे। हमने उन्हें बताया कि हमारी इच्छा है कि पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से काम करे। हालांकि शरद पवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार गुट के नेताओं की शरद पवार से मुलाकात पर कहा कि वर्षों से शरद पवार उनके नेता थे, इसलिए वे उनसे मिलने गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत को मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि यह नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाने के कारण भेजा गया है और इस मामले पर उनसे अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। दरअसल संजय राउत ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सीएम दफ्तर से अपराधियों की डीलिंग चल रही है
जो अपराधी जेल में हैं उनसे मुख्यमंत्री कार्यालय बातचीत कर रहा है। सत्ता में शामिल लोग उनके संपर्क में हैं। जेल में कैदियों तक मोबाइल फोन पहुंचा दिए गए हैं और इसके जरिए संपर्क किया जा रहा है। यह सब मुख्यमंत्री कार्यालय की देखरेख में चल रहा है। मैं जल्द ही यह जानकारी जनता के सामने लाऊंगा। लोकसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार सांसद राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय जेल में बंद कई बड़े अपराधियों के संपर्क में है। इसमें धारा 302 के तहत जेल में बंद कैदी और कई बड़े आरोपी शामिल हैं। मुंबई से लेकर नासिक, कोल्हापुर तक राज्य की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों से संपर्क किया जा रहा है। चुनाव से पहले कुछ अपराधियों को जेल से बाहर निकालने की साजिश है। वहीं अब इस मामले पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने संजय राउत को सबूत जुटाने और साथ ही फिर से बयान दर्ज कराने को कहा है और इससे जुड़े सबूत भी मांगे हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अलास्का क्षेत्र में आज 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। भूकंप के बाद अमेरिकी राज्य के कुछ इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। यूएसजीएस ने कहा कि भूकंप 9.3 किलोमीटर 5.78 मील की गहराई पर था। अलास्का भूकंप केंद्र ने कहा कि अलास्का प्रायद्वीप, अलेउटियन द्वीप और कुक इनलेट क्षेत्रों में झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी के हताहत होने या क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। आपको बता दें कि मार्च 1964 में अलास्का में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया था। उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसने एंकोरेज को तबाह कर दिया और सुनामी ला दी थी, जिसने कि अलास्का की खाड़ी अमेरिका के पश्चिमी तट को तहस नहस कर दिया था। और तब भूकंप और सुनामी से 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए देश में मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि देश में आज भी 1.80 लाख मुसलमान उच्च शिक्षा से दूर हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश में अल्पसंख्यकों को शिक्षा में कम मौके क्यों हैं। ओवैसी ने कहा कि हाल ही में आया सरकार का डेटा बताता है कि 2020-21 में 1,80,000 मुस्लिम उच्च शिक्षा से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को छोड़कर अधिकांश राज्यों में मुस्लिम युवाओं की उच्च शिक्षा में दर घटी है। इस सरकार ने क्या किया? इन्होंने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप रोक दी। AIMIM प्रमुख ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत आज इसकी युवा जनसंख्या है। आज 50% आबादी 28 साल की औसत आयु वाली है। किसी देश के पास ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने इस आबादी के लिए क्या किया है। इस जनसंख्या की मदद से भारत को सुपर पावर बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें नौकरियाँ देनी होंगी। उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने इनको कितनी नौकरियाँ दी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।